अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, उत्तराखंड में राज्य योजना को खत्म कर दिया गया है। उत्तराखंड में सेतु आयोग होगा, सेतु आयोग के गठन का आदेश जारी कर दिया गया है, ये बड़ी खबर मिल रही है। आयोग के अध्यक्ष सीएम होंगे, नियोजन मंत्री आयोग के उपाध्यक्ष होंगे, आयोग में 3 सलाहकार भी नियुक्त किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर देहरादून से। उत्तराखंड में राज योजना को खत्म कर दिया गया है, अब उत्तराखंड में सेतु आयोग होगा। सुनील और प्रभात हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुनील जरा बताइए, क्योंकि राज योजना को तो खत्म कर दिया गया है, अब सेतु आयोग का गठन कर दिया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, इसमें केंद्र के भी निर्देश थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से चाहा था कि वो नीति आयोग की तर्ज पे अपने अपने राज्यों में एक आयोग का गठन करे, जो प्लानिंग को देख सके, जो फ्यूचर की योजनाओं को अमली जामा पहना सके। इसी के मद्देनजर स्टेट गवर्नमेंट ने सेतु आयोग का गठन किया है। पिछले ही महीने इसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी और आज इसके विधिवत आदेश भी हो गए हैं। इसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे तो नियोजन मंत्री इसमें उपाध्यक्ष होंगे, और यदि नियोजन मंत्री खुद मुख्यमंत्री होते हैं तो वो किसी मंत्री को अपनी जगह यहाँ पर मनोनीत कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो मुख्य सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं और प्रमुख सचिव हैं जो राज्य के, वो इसके मेंबर होंगे। जो मंत्रीगण हैं वो भी इस आयोग के मेंबर होंगे। इसके साथ साथ इसमें ओपन मार्केट से एक्सपर्ट्स भी रखे जाएंगे, जिसमें सीईओ होगा, 3 सलाहकार इसमें होंगे, और सीईओ जो होगा ये सबसे पावरफुल पोस्ट सेतु आयोग में होगी। सीईओ सीधे जो रिपोर्ट करेगा वो मुख्यमंत्री को करेगा। इस आयोग का काम होगा कि वो राज्य की प्लानिंग, योजनाओं की प्लानिंग करे, उनका मूल्यांकन करे, कहाँ पर भविष्य के लिए क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं उनको आयोग देखेगा। जो टेक्निकलिटीज इस पूरे सिस्टम में आती हैं उनका भी अनुसरण आयोग करेगा। एक बड़ी पहल है उत्तराखंड राज्य की ओर से, क्योंकि केंद्र ने पहले ही राज्यों से कहा था कि वो अपने अपने राज्यों में इस तरह का एक आयोग का गठन करें। और केंद्र की एक स्कीम भी थी कि पहले जो 7 राज्य होंगे जो इस तरह के किसी आयोग का अगर गठन करते हैं अपने राज्य में, तो केंद्र उनको बकायदा 5 करोड़ की धनराशि भी देगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो जहां तक उम्मीद है कि उत्तराखंड उन 7 राज्यों में भी शामिल हो गया है जिन्होंने सबसे पहले इस तरह के एक आयोग का गठन किया है। जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए सुनील। नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उत्तराखंड ने गरीबी उन्मूलन में बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसकी नीति आयोग ने तारीफ की है। नीति आयोग ने कहा है, उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है और प्रदेश में 5 साल में गरीबों की संख्या घटी है। 5 साल में गरीबों की जो संख्या है वो 17.67% से 9.67% तक पहुंच गई है। वहीं अगर बात करें तो सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है, केंद्र की मोदी सरकार तेजी से काम कर रही है, गरीब कल्याण की जो योजनाएं शुरू की गई थी उसके अब परिणाम भी सामने आ रहे हैं। तो नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उत्तराखंड की तारीफ की गई है और उत्तराखंड को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, जिसमें गरीबी उन्मूलन में बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड को मिली है। 5 साल में गरीबों की संख्या घटी है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। दिल्ली में आज बड़ी बैठक होने जा रही है बीजेपी की। आज शाम 7 बजे उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की बैठक होगी। इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश संगठन महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी, ये बड़ी खबर आपको बता रही है। आज शाम 7 बजे बड़ी बैठक बीजेपी की होने वाली है, लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर यह बैठक की जाएगी और ये बैठक शाम 7 बजे होगी। उत्तराखंड बीजेपी सांसदों के साथ ये बैठक होनी है, आगामी चुनाव को लेकर बातचीत होगी, आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी और किस तरीके से आने वाले चुनाव में बीजेपी ग्राउंड जीरो पर रहकर बूथ को मजबूत करेगी और साथ ही साथ उत्तराखंड के जो अहम मुद्दे हैं उनको लेकर भी इस बैठक में बातचीत होगी। पवन गौड़ सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, क्योंकि आज बीजेपी की जो बड़ी बैठक होने वाली है, कहा जा रहा है आगामी चुनाव और साथ ही साथ ये है कि उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर बातचीत होगी।
देखिए आज शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सभी सांसदों के साथ दिल्ली में बैठक करेंगे। उस बैठक में उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री प्रदेश के अजय कुमार और प्रदेश के जो प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, ये इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा। पिछले लगातार 1 महीने से ज्यादा जो महासंपर्क अभियान चल रहा है उसकी समीक्षा की जाएगी। इसके साथ साथ जो पार्टी और सरकार के जो अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं उनको, सरकार के कामों को किस तरह से सांसद जनता के बीच में लेकर जाएं और जनता को बताएं कि उनकी जो केंद्र, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, किस तरह से वो जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, उन सब विषयों को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ साथ कई सारे जो काम सांसदों के होते हैं अपने लोकसभा क्षेत्र को लेकर, चाहे वो रोड से संबंधित हो या किसी और प्रोजेक्ट से संबंधित हो, उन सब बातों को लेकर भी सांसद अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और मुख्यमंत्री उनको जो भी उचित, जो संभव जो प्रयास होगा उनके, जो सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है उसकी जानकारी देंगे। तो ऐसे में ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि लगातार जो है संगठन और सरकार के बीच में समन्वय की कहीं ना कहीं शिकायतें आती रहती है। ऐसे में ऐसी शिकायतें ना है उसको लेकर ये बैठक की जा रही है, जिससे कि किसी को कोई शिकायत ना रहे और लोकसभा चुनाव की तैयारी में पार्टी पूरी तौर से जुट जाए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड में चमोली के थराली में लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी का एक हिस्सा टूट कर नीचे आ गया, जिसकी वजह से सड़क भी बंद हो गई है। पहाड़ी पूरी तरह से टूट गई है और उसका मलबा भी प्राणमती नदी में समा गया है। बड़े बड़े चीड़ के पेड़ भी प्राणमती नदी में समा गए हैं। पहाड़ में बारिश के दौर में भूस्खलन लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहाड़ी का मलबा नदी में समा गया है और थराली में लैंडस्लाइड जब हुआ उसके बाद की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे डाबरकोट भूस्खलन के चलते 3 दिन से बंद है, जिससे देश विदेश के तीर्थ यात्री यमुनोत्री धाम के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि डाबरकोट तक यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन यात्रियों को निराशा हाथ लग गई है। डाबरकोट ओजरी में बड़ा डेंजर जोन लगातार नासूर बना हुआ है। पहाड़ी से बिन बरसात पत्थरों की बारिश हो रही है, जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिलाधिकारी जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को मार्ग खोलने के दिए भी हैं। वह यमुनोत्री धाम में फंसे यात्री 4 दिन जब पैदल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि डाबरकोट के हालात खराब है, यात्री को वहां जाने ना दिया जाए। डाबरकोट के पास पिछले 5 साल से बरसात के समय यात्रा को बाधित करता आ रहा है। पैदल आ रहे वहाँ पे, मैं 4 दिन से था, ऊपर गाड़ी नहीं मिलती। कितने यात्री, लगभग कितने यात्री होंगे महाराज? यात्री अभी तो कम से कम 200 के करीब में होंगे ना? पैदल आने में इतनी परेशानी है कि आपको खुलवाने में लगभग 4-5 घंटे का आपका अनुमान समय लगेगा, परंतु वर्तमान में चूंकि मलबा आने का सिलसिला लगातार जारी है तो काम करना भी वहाँ सुरक्षित नहीं है। परंतु डाबरकोट पे अभी भी रास्ता वर्तमान में बंद है और उम्मीद है शीघ्र ही वो भी खुल जाएगा। चमोली में आफत की बारिश जारी है। जगह जगह मलबा आने से सड़क मार्ग बार बार बाधित हो रहे हैं। पिछले 30 घंटों से बद्रीनाथ हाईवे गौचर कमेड़ा के पास बाधित है, जिससे बाढ़ को खोलने का काम जारी है। पीपलकोटी के पास भी बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आ गया है, जिससे सड़क मार्ग जो है वो बाधित हो रहा है। वहीं कुमाऊं क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क कर्णप्रयाग से लेकर थराली तक नासूर बनी हुई है। जोशीमठ नगर क्षेत्र में एक बार फिर से बारिश के बाद दरारें बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। नगर के सिंधधार और गांधीनगर वार्ड में दरारें बढ़ रही हैं। जनवरी महीने में जिन घरों में दरारें पड़ी थी उनमें लगातार पानी का रिसाव भी हो रहा था, जिससे दरारें और तेजी से बढ़ने लगी हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन समय रहते व्यवस्था नहीं बना पा रहा है, अगर ना ही जोशीमठ नगर क्षेत्र में ट्रीटमेंट का काम शुरू हो पाया है, जिससे समस्या निरंतर बढ़ रही है। मौके पर पहुंचकर न्यूज 18 ने जायजा लिया। नगर में अगर हम बात करें तो मौसम का सबसे ज़्यादा असर देखा जा रहा है। आप मेरे पीछे देखिए किस तरीके से एक पुराने मकान की जो दीवार है उसके आसपास भूस्खलन की स्थिति इस समय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि देर रात को जब भारी बारिश हुई तो भारी बारिश में ये दीवार टूटकर नीचे की तरफ आ गई है और जो ये घर आप देख रहे हैं ये पहले से ही जनवरी महीने में जब दरार पड़ी थी तो उस समय भी यहाँ पर दरार बढ़ने की सूचना थी। हालांकि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि
इसको रेड जोन में नहीं रखा गया है, रेड क्रॉस नहीं किया गया है, लेकिन दरारें बढ़ रही हैं। यहाँ पे वही मौजूद हैं जिनका ये मकान है। जी क्या हुआ है कल रात को? ये अचानक ही जब बारिश आई है तो एकदम से पत्थरों के गिरने की आवाज़ आई, ऊपर से भी लोगों ने चिल्लाया कि भाई कहाँ गिरा कहाँ गिरा, तब मैं आया तो मैंने यहाँ से जब देखा तो मैंने फिर फोटो खींचे। तो ये एकदम से जैसे ही बारिश आ रही है, क्योंकि ऊपर खेतों में एक एक डेढ़ डेढ़ मीटर की दरारें हैं और बारिश होगी तो पूरा पानी उसमें बैठेगा, और इसमें प्रशासन पूरी लापरवाही कर रहा है, ना तो रोड का मरम्मत कर रहा है ना कुछ, वो बारिश का इंतजार कर रहे हैं। और होना ये, मुझे मकान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि खसक के खड़दार पूरा नीचे आएगा, तो मुझे बने हुए मकान मिल जाएंगे और प्रशासन को कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, खुश रहेंगे सब। हाँ ये है कि कुछ जान माल की हानि होगी क्योंकि उन रेड क्रॉस मकानों में अभी दरार भी नहीं है और किराएदार भी सब बैठे हुए हैं और उसमें क्षति होनी है, और प्रशासन इंतजार कर रहा है कि पहले दो चार लोग मरें तब फिर हम कोई कार्रवाई करें। जी बिल्कुल, प्रशासन पर भी लोगों की नाराज़गी साफ देखी जा सकती है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि हम जोशीमठ नगर में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जहां जहां भी नुकसान है। नैनीताल से बड़ी खबर मिल रही है, यहाँ जंगल में पुराने 1000 और 500 के नोट बिखरे पड़े मिले हैं। हिमालयन दर्शन के पास जंगल में ये नोट मिले हैं, पुलिस ने नोट को कब्जे में ले लिया है, साथ ही जांच की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने इन नोटों को फेंका है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, हिमालयन दर्शन के पास जंगल में ये नोट मिले हैं, 500 के नोट बताए जा रहे हैं, पुराने नोट फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर मिली है, 1000 और 500 के नोट मिले हैं, हालांकि पुलिस ने इसको कब्जे में ले लिया है और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो नैनीताल से बड़ी खबर मिली है, जंगल में बिखरे नोट मिले हैं, बताया जा रहा है कि 500 और 1000 के नोट बताए जा रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि हिमालयन दर्शन के पास जंगल में ये नोट मिले हैं। सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। वीरेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? आशंका ये जताई जा रही है कि किसी ने नोटों को फेंका है। वाकई जिस तरह से यहाँ पर पूरा नोट मिले हैं और इसमें 1000 और 500 के जो पुराने नोट हैं वो खास तौर पर हैं, और जो स्थानीय स्तर पर कुछ युवा वहाँ पर गए थे पहले, अपने कोई पालतू जानवर उनका खो गया था उसको ढूंढने गए थे, तो वहाँ नोट बिखरे हुए थे। उसके बाद सूचना पुलिस को दी गई और आज अभी कुछ देर पहले पुलिस और जो स्थानीय लोग थे वहाँ पर गए थे, तो करीब 20,000 के नोट तो अब तक बरामद हो चुके हैं जो पुराने हैं। और ये बताया जा रहा है कि उन जो युवा थे उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि ये लाखों में यहाँ पर थे और कई नोट अभी यहाँ से गायब दिख रहे हैं। हालांकि इस मामले पर पुलिस भी वहाँ पर गई है और पुलिस ने कई नोटों को वहाँ से उठाया है और जांच में जुट गई है। लेकिन बात गौर करने वाली बात ये है कि 2016 में जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद सरकार लगातार इस बात को कहती रही है कि वो जो नोट हैं उनको बैंक में वापस कर लें, वापस दे दें, ताकि जो पैसा है वो बैंक में वापस आ जाए, उसके बदले वो नई करेंसी उस वक्त ले सकते थे। लेकिन जो नोट हैं वो पंगूट का जो रोड है, हिमालय दर्शन का के पास जो खाई है वहाँ मिले हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि बैग और इस तरह की चीजें भी वहाँ पर थी, लेकिन अभी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो आने वाले दिनों में ये खुलासा हो सकता है कि किसके ये नोट हैं और कहाँ से ये नोट यहाँ आए हैं और किस तरह से यहाँ पे फेंके गए थे। जी ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बीते शुक्रवार को बड़कोट तहसील क्षेत्र के गंगनारी में आई आपदा के बाद अभी तक हालात सामान्य नहीं हो सके हैं और आज भी लोग उस रात को याद करके खौफ में आ जाते हैं। उत्तरकाशी की बड़कोट तहसील के गंगनानी में बीते शुक्रवार की रात को बादल फटने के बाद जमकर तबाही आई थी। हालात इतने खराब हैं कि अभी तक हालात सामान्य नहीं हो सके हैं। लोगों के घरों के बाहर आज भी मलबे का ढेर लगा है जिसे अभी भी हटाया जा रहा है। आपदा की रात तो जैसे तैसे ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचा ली थी, लेकिन उनका घर, दुकान, गाड़ी, मवेशी मलबे में दब गए। घरों की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपदा कितनी खौफनाक थी। न्यूज 18 संवाददाता ने मौके पर जाकर प्रभावित ग्रामीणों से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया।
न्यूज़ 18 इस समय गंगरानी में है। हम आपको दिखा सकते हैं जब बादल फटा तो किस तरह के हालात बने। पहले हम दिखाएंगे जिस जगह पे बादल फटा, ये गंगरानी के पास का वो हिस्सा है जहाँ पे बादल फटने के बाद तबाही मची थी, और इस तरह के 12 जगह पे ऐसी ही छोटे छोटे बादल फटे थे जिसके बाद पूरे जो गंगोत्री हाईवे पे 12 जगह पे ऐसे हालात बने कि जो लोगों के घरों में पानी घुस गया। आप देख सकते हो किस तरह के हालात है, पूरा मिट्टी मलबा बह के आया था और लोगों के घरों में घुस गया था, लोगों ने जान बचा के भागे थे। बड़ी हालत कह पाई है, आज नहीं सारो खाना बंद कर रही है, तो 3 साल पहले चंडीगढ़ दिखलांग सर सारे तो अभी बम तो 2 बज रात किसको रहे ध्यान, 2 बजे जब पानी पड़ घूम गुण तब भागे बाहर देखे सारी नदी आ रखी थे, तभी बेस हमारे सर फाल तब रोते रहे रात। गंगनानी में आज भी पेयजल और विद्युत लाइन सुचारू नहीं हो सकी है। खुद डीएम ने मौके पर जाकर प्रभावितों से बातचीत की और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। क्षतिपूर्ति के लिए जो एक मुआवजे की धनराशि होती है वो SDRF नॉर्म्स के अनुसार दी गई है, परंतु मलबा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आया है और यहाँ पे जो NHK और PWD के अधिकारी हैं उनसे भी सहयोग प्रदान करने हेतु कहा गया है कि उस मलबे को हटाने के लिए। गंगनानी में जो लोग कल तक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, अचानक बादल फटने से उनकी जिंदगी में भूचाल आ गया है। घर में कब तक जाएंगे, कब तक उनकी दुकानें फिर खुलेंगी, उन्हें खुद नहीं पता। ऐसे में इस समय सिर्फ सरकारी मदद ही उन्हें कुछ राहत दे सकती है। न्यूज 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। देहरादून में सुबह से ही धूप खिली हुई है, लेकिन अगले 48 घंटे के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया है कि तेज बारिश परेशानी का सबब बन सकती है। देहरादून, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर में अगले 48 घंटे में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से 2 दिन का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस वक्त मौसम साफ बना हुआ है, चटक धूप भी खिल रही है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे के अंदर तेज बारिश की संभावनाएं देहरादून समेत प्रदेश के 6 जिलों में बनी हुई है। इसमें देहरादून, हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर जैसे जिले भी शामिल हैं जहां पर तेज बारिश लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। 2 दिन का येलो अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया गया है जिसमें तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई है। इसके अलावा लैंडस्लाइड भी कई इलाकों में देखने को मिल सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए यात्रा करते समय सतर्कता बरतने की एडवाइजरी भी जारी की गई है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। और यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं। में आज दूसरे दिन भी झगड़ा जारी है, आज पार्टी का स्थापना दिवस भी है। पुलिस ने UKD के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। पार्टी अध्यक्ष काशी सिंह एरी अभी दफ्तर पर ही मौजूद है। काशी सिंह एरी ने कहा है कि कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई है, वो पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। 2 दिन से पार्टी दफ्तर पर चल रहे झगड़े को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि पुरानी कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया गया है और जल्दी नई कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। वहीं आपको बताते चले कि कल भी पार्टी दफ्तर में जमकर हंगामा हुआ था। सहयोगी विशाल हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। विशाल, जरा बताइए अभी क्या चल रहा है वहां पर। बिल्कुल, देखिए 2 दिन से लगातार UKD कार्यालय के जो हालात हैं वो बदतर बदतर देखने को मिल रहे हैं। लगातार कार्यकर्ता ऐसे लड़ रहे हैं जैसे मान लो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई चल रही है, और ऐसे में लगातार जो ये लड़ाई है ये कहीं ना कहीं पार्टी की छवि भी खराब करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि केंद्रीय अध्यक्ष खुद यहाँ पर मौजूद है, उनके सामने ये इस तरह का माहौल बना हुआ है जिस तरह से लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे झड़प हो रही है और कैसे मौके पर पहुंच करके खुद पुलिस को मामले को शांत कराना पड़ रहा है। और पुलिस ने अभी कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया है ताकि मामले की सिचुएशन को संभाला जा सके। और ऐसे में केंद्रीय जो अध्यक्ष हैं वो साफ ये कह चुके हैं कि कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो पार्टी पर ही अपना कब्जा मानने लगे हैं, वो पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। और जो उनका बयान था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा, ऐसे इस सभी बातों को उन्होंने नकारा है। उन्होंने कहा है कि किसी तरह का कोई कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा, और अभी जो है लगातार जो कार्यकारिणी है उसको भंग कर दिया गया है, अब नई कार्यकारिणी की भी जल्दी घोषणा हो सकती है। इसको लेकर के अभी पार्टी में तमाम चर्चाएं जारी है। ठीक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
देहरादून की डोईवाला में टाउनशिप डेवलपमेंट का हो रहे विरोध के बाद आज शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक बुलाई है, जिसमें अपर मुख्य सचिव वीसी एमडीडीए और अपर सचिव मौजूद रहे। बैठक में प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि डोईवाला में एरी सिटी का कोई प्रपोजल नहीं है और सरकार की तरफ से कोई अधिग्रहण नहीं हो रहा है। कोई अधिग्रहण होगा तो बिना किसानों की सहमति से ही होगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं कि हमारे जो किसान लोग हैं वो स्पष्ट जान लें कि सरकार बिना उनकी सहमति के कोई भी अधिग्रहण किसी भी प्रकार का नहीं करेगी। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने 19 जुलाई को भी कुछ किसानों के समक्ष यही बात रखी थी। मैं आज फिर बड़े विश्वास के साथ और बड़े भरोसे के साथ मैं कह रहा हूं कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है कि जब हम किसानों की कोई भी जमीन एक्वायर करने जा रहे हैं। वहीं डोईवाला टाउनशिप को लेकर कांग्रेस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और डोईवाला में जमीन खरीद फरोख्त की जांच की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पूछा कि पिछले 1.5 साल में किस किस ने जमीन खरीदी, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत का कहना है कि टाउनशिप का कॉन्सेप्ट हिमालय राज्य की मंशा पर चोट है और देहरादून का ग्रीन एरिया खत्म होने के साथ ही गन्ने के उत्पादन का क्षेत्र खत्म हो जाएगा और चीनी मिल बंद हो जाएगी, जिससे किसानों को नुकसान होगा। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं।